हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक माइक्रोफोन की। जी हाँ, ये है वायरलेस माइक्रोफोन, बहुत ही चीप और बहुत ही यूजफुल। इसका नाम है K8 वायरलेस माइक्रोफोन। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है आपके मोबाइल फोन के लिए। आप इसको DSLR में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइप सी कनेक्टर का कोई एंड्रॉइड मोबाइल है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूजर हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे। और क्योंकि मैं इसको पिछले एक दो महीने से यूज कर रहा हूं तो सब कुछ बताऊंगा कि क्या ये लेने लायक एक माइक्रोफोन है या सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट प्रोडक्ट है। चलते हैं फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि ये इसमें कैसा आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए एंड तक। तो अब बात करें इस माइक की, तो आप देख सकते हैं ये है वो बॉक्स जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट निकलने वाला है। इस पर टेपिंग हो रखी है क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन परचेज नहीं किया है, ऑफलाइन मार्केट से लेकर के आया हूँ। 850 रुपए का मुझे पड़ा है ये, 870 या 850 के करीब, वैसे था मैं भूल गया हूँ। इसका एक्चुअल प्राइस जो है उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि कितने रुपए का ये आपको मिलने वाला है। अब इसकी बॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं K8 का लोगो इसमें यहाँ पे प्रिंट कर रखा है, साथ में लिख रखा है वायरलेस माइक्रोफोन, और यहाँ पे आईफोन को इन्होंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है, साथ में माइक, इसका रिसीवर, और ये एक ऑडियो जैक अलग से इन्होंने दे रखा है। तो फटाफट चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स की अगर हम बात करें तो बॉक्स में कुछ इस तरह से इसका बाकी कंटेंट आपको नजर आने वाला है। ये है मेन रिसीवर जो हमारा माइक है, और ये इसका जो ब्लूटूथ वाला पार्ट है जो हम अपने मोबाइल फोन में कनेक्ट करते हैं वो, और ये रहा आईफोन के लिए। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के ये तीन तो इसके मेन पार्ट मिल जाते हैं। साथ में आपको एक टाइप सी की केबल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इस बॉक्स को हम यहाँ से साइड को कर देते हैं थोड़ा सा, और इसमें मिल जाती है आपको एक टाइप सी का कनेक्टर, पूरी केबल है चार्जिंग के लिए। इसकी लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो बहुत छोटी सी है, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें बड़ा वो नहीं है। मुश्किल ये 12 इंच के लगभग 1 फिट के लगभग ये जो है यहाँ पे आपको निकल जाती है केबल। अब यहाँ हम टोटल कंटेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा मेन बॉक्स है जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स निकले थे। अब इसको हम कर देते हैं साइड, तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी की जो है केबल मिल जाती है इसको चार्ज करने के लिए। ये एक रिसीवर है जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बनाया गया है, और बीच में एक रिसीवर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला, ये बनाया गया है आपके आईफोन के लिए। और ये है आपका वो माइक जिसको आपको अपने कॉलर में पिंच करना है, और उसके बाद आप जो है इस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। तो ये मेरे पास है iPhone 13, इस पर मैं इसको अगर डायरेक्ट लगाने की कोशिश करूंगा तो ये यहाँ पे नहीं लग पाएगा। इसको यूज करने के लिए क्या करना होगा कि हमें ये जो कनेक्टर दे रखा है पहले इसको इसमें माउंट करना है। अब ये इसका रिसीवर बन गया है और हमने जो है डायरेक्टली इसको इसमें प्लेस कर देना है। ये प्लेस करने के बाद यहाँ तक तो ये हो जाता है कम्प्लीट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक पावर बटन है, ठीक है। ये जो है पावर बटन आपको जैसे ही प्रेस करके रखेंगे, इधर की साइड में जो लाइट है ये आपको ब्लिंक होती हुई दिखाई देगी। जब आप पहली बार इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ ही सेकंड में ऑटोमेटिक जो है इससे कनेक्ट हो जाता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो है आप इसकी ही आवाज़ सुनेंगे। अब मैं आपको अपने कैमरे से जो अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाकर दिखाता हूँ। सो अभी जो है आप मेरे ये जो माइक है ये तो है हमारा बोया बाई M1 जो हमारे DSLR में कनेक्ट है इसमें, ठीक है। और ये है वो हमारा माइक जो हमने अभी K8 आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया। अब किस तरह की इसमें वॉइस क्वालिटी है वो आप समझ रहे होंगे। मैं इसकी अगर सच्चाई बताऊं तो वो ये है कि अगर आप इसको अपने मतलब कि अपने को अपने फेस से दूर रखते हैं जितना, ये उतनी ही बेकार आवाज़ निकालता है। जब आप इसको कम से कम यहाँ रखेंगे तब आप आवाज़ को जो है मेरी समझ पा रहे होंगे कि इसमें कितना डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो इसमें कितना डिफरेंस है, और मैं यहाँ इसको प्रेस कर रहा हूँ तो अब इसमें कितना आवाज़ में फ़र्क है वो आपको साफ नज़र आ रहा होगा। सो अब अगर मैं ओवरऑल इस माइक्रोफोन की सच्चाई बताऊं तो मेरी नज़र में ये टोटल वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि जो वायरलेस माइक आते हैं, जो वायरलेस माइक्रोफोन बनाए गए हैं, वो कम से कम 5-10 हज़ार रुपये से ऊपर ही अगर आप परचेस करेंगे तभी वो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं और आप अपना पैसा ख़राब करना चाहते हैं तो ये आप प्रोडक्ट जो है खरीद सकते हैं। हाँ, मतलब यूज़फुल तो है, आपने आवाज़ सुन लिया होगा, थोड़ा सा आपको लाउड बोलना पड़ेगा अगर आप इसको परचेस कर करके आप अपने व्लॉग बना रहे हैं या आप अपना कोई भी टेक्निकल वीडियो बना रहे हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी शूटिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा तेज़ बोलेंगे तभी इसमें रिकॉर्ड हो पाएगा। जबकि हम कोई भी कॉलर माइक जैसे बोया का हो गया है या माउनो का हो गया है या रोड के हो गए हैं,
अगर उन माइक्स को आप यूज करेंगे तो आप बहुत अगर हल्के भी बोलेंगे तब भी आपको काफी अच्छी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब तक आप इसमें तेजी से नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा लाउड नहीं बोलेंगे, तब तक आप इसमें अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट है। मैंने इसको बस दो ही व्लॉग में यूज किया है, उससे अच्छा तो मेरा जो मोबाइल का खुद का माइक है वो ज्यादा से अच्छे काम कर जाता है, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया है। बाकी रही आपकी अपनी पर्सनल चॉइस, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है इस प्रोडक्ट का, आप वहां पर जाकर भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में रही, तो बस आज के इस वीडियो में तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी तक इसको शेयर करें। मिलेंगे नए अपडेट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।